आपका जहाँ जहाँ पोस्टर लगा है उसमें भी लिखा है बहु जनाचा बहुचर्चित नेता। तो जो आपने हिंदुत्व की लाइन ली थी, जो नवनीत राणा कभी कहा करती थी कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो अब वो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है क्या? हिंदू हूँ तो हिंदू का गर्व तो है। वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि लाडली बहनों को अभी जो 1500 मिलता है अगर महायुति की सरकार आती है तो 3000 मिलेगा, लेकिन अगर वोट नहीं दिया तो मैं वो पैसे भी वापस ले लूंगा। वो वीडियो को तोड़ मोड़ के बनाया गया था। नवनीत राणा चुनाव कैसे हारी? पर राहुल गांधी ने झूठा प्रचार किया यहाँ आके, उसके साथ साथ 8,500 रूपए खटाखट डालेंगे, आठा नहीं भी किसी के अकाउंट में आया नहीं। अभी लोगों को साफ मालूम पड़ा है कि ये राजनीति वोटों की राजनीति थी। नवनीत राणा लोकसभा का चुनाव हारी, उसके बाद रवि राणा और नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या बात हुई? मुझे लगता है अमित शाह जैसे नेता देश में जो काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा भी नैतिक अधिकार है, ताकत बनके उनके साथ काम करना चाहिए। भाजपा क्या लकी साबित नहीं हुआ या एक बार चुनाव हार गए इसलिए अपने वापस उस पे? देवेंद्र फडणवीस साहब जब अभी 2 दिन पहले आए थे उन्होंने भी कहा था युवा सेन पार्टी का पाना ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं को कसने वाला है। महायुति में ही बच्चू कड़ू भी है, पर आपके और बच्चू कड़ू की दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। द्वेष की राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। महायुति की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? मुझे लगता है महाराष्ट्र के उन्नति के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए देवेंद्र फडणवीस जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे नेता जो कभी मुख्यमंत्री से तनातनी तो कभी अपने भाषणों तो कभी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इनकी पत्नी नवनीत राणा 2019 में अमरावती से सांसद चुनी गई थी, 2024 का चुनाव बहुत ही करीबी अंतर से वो हार गई। इस बार विधानसभा चुनाव में रवि राणा अमरावती में पड़ने वाली बडनेरा विधानसभा सीट से 4थी बार चुनावी मैदान में है, 3 बार के सांसद रह चुके हैं। पहला सवाल तो सीधे सीधे डायरेक्ट यही जो जनता के मन में आपके समर्थक भी पूछ रहे थे, इस पर हर चाय की टपरी पर चर्चा हो रही है, नवनीत राणा चुनाव कैसे हारी? सर नवनीत राणा चुनाव हारी नहीं, झूठे प्रचार से कांग्रेस ने जो झूठा प्रचार किया, संविधान बदलेगा, संविधान जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा, संविधान को कोई बदल नहीं सकता। पर राहुल गांधी ने झूठा प्रचार किया यहाँ आके, उसके साथ साथ 8,500 रुपये खटाखट डालेंगे, आठा नहीं भी किसी के अकाउंट में आया नहीं। तो जिस तरह से लोगों को गुमराह किया, झूठ बोला और झूठ तरीके से वोट मांगे, अभी लोगों को साफ मालूम पड़ा है कि ये राजनीति वोटों की राजनीति थी, झूठी राजनीति थी। वो झूठी राजनीति के शिकार जैसा जाति पाति का राजकारण हुआ, कई कास्ट के लोग हैं वो एक साथ नवनीत राणा के खिलाफ हो गए और राहुल गांधी के बयान को सच माना गया, पर अभी सबको पता है कि राहुल गांधी झूठ बोल के गया था, वोट मांगने आए थे और झूठ बोल के गए, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके उन्होंने वोट मांगे, इसलिए नवनीत राणा का पराभव हुआ। नवनीत राणा के जो काम है, लोकप्रियता है, जनसंपर्क है, लोगों के लिए जो लड़ी है, पूरे महाराष्ट्र में देश में नवनीत राणा का एक अमरावती जिले के माध्यम से जो उन्होंने आवाज़ उठाई है, पूरे देश तक वो पहुँचाने का काम किया उन्होंने। अमरावती जिले के हर तबके के लोगों की समस्या उन्होंने उठाई। अमरावती जिले में जो 40 साल में विकास नहीं था, वो 5 साल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट उन्होंने अमरावती के लिए लाए। तो इसलिए इसलिए चाय की टपरी पे बोलो, पान ठेले पे बोलो, सब्जी की गाड़ी बोलो या फेरी वाले बैठे, हर जगह नवनीत राणा की चर्चा होती है कि अमरावती में नवनीत राणा हारने से 15 साल अमरावती जिले का नुकसान हुआ है। जो बात आप कह रहे हैं, हमें लगता है शायद बीजेपी को भी इसी बात पर भरोसा है, इसलिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में नवनीत राणा का भी नाम है। आपके लिए वो चुनाव प्रचार वगैरह कर रही है, बडनेरा में घूम रही है, या आप उनका सहयोग ले रहे हैं क्या अपने इलाके में? वो भाजपा की नेता है, भाजपा की स्टार प्रचारक है, हम गठबंधन में महायुति में साथ में है। कई जगहों भाजपा के प्रचार के लिए मैं जाता हूँ, कई बार मेरे प्रचार के लिए वो आती है। तो ये घटक दल के नाते भाजपा का भी कर्तव्य है, युवा सेना पार्टी का भी कर्तव्य है, हम पूरे घटक दल में साथ में प्रचार कर रहे हैं। बडनेरा में महायुति का आपको समर्थन हासिल है, लेकिन आप चुनाव चिन्ह जिस पर लड़ रहे हैं वो है पाना, और हमने जगह जगह ये भी सुना कि सभी नटों का एक ही पाना रवि राणा, तो क्यों, मतलब भाजपा क्या लकी साबित नहीं हुआ या फूल का जो सिंबल है इनका लकी साबित नहीं हुआ, एक बार चुनाव हार गए इसलिए अपने वापस उस पर? मैं आज तक कोई पार्टी में गया नहीं, युवा स्वाभिमान पार्टी ये स्वामी विवेकानंद के विचारों पे पार्टी मैंने स्थापित की थी, आज 17-18 साल हो गए, शुरू से मैं उसी पार्टी पे लड़ रहा हूँ, मेरा एक संगठन है, पार्टी कार्यकर्ता है और आज भी वही पार्टी पे लड़ रहा हूँ। और मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस साहब जब अभी 2 दिन पहले आए थे उन्होंने भी कहा था युवा सेना पार्टी का पाना ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं को कसने वाला है,
इसलिए उसका पूरा वहाँ पर महाविकास आघाड़ी के नेता जो है गलत तरीके से जो काम करते है, पब्लिक के साथ अन्याय करते है, पब्लिक से झूठ बोलते है, भ्रष्टाचार करते है, उनको कसने वाला ये पाना है। देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लिया, आपके जो राजनीतिक समर्थक है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है रवि राणा जी की फडणवीस जी के साथ, इसलिए टिकट मिल गया, लेकिन भाजपा की जो लोकल यूनिट है वो नाराज चल रही है। तुषार भारती जो है जो भाजपा के नेता थे अब बागी हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, खेल बिगाड़ सकते हैं क्या ये आपका? भाजपा के सभी नेता मेरे साथ हैं, कार्यकर्ता साथ में, आप देख रहे हैं सभी भाजपा के नेता कार्यकर्ता साथ में घूम रहे और खेल बिगाड़ने का सवाल ही नहीं आता। 5 साल मैं काम करता हूँ, जनता के बीच रहता हूँ, जनता के दुख सुख में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, विकास करता हूँ और नीचे छोटे से लेके बड़े तक हर व्यक्ति मुझे उसी तरह प्यार करता है, एक बेटे की तरह, भाई की तरह। तो मुझे लगता है बागी लोग तो 27 लोग खड़े हैं यहाँ पे, तो बागी लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े, मैं इलेक्शन जीतने के लिए खड़ा हूँ। तो फर्क है कि खड़े रहना है, लोकशाही में सबका अधिकार है, खड़े रहते हैं, पर महायुति के सभी पार्टियाँ मेरा ताकत से काम कर रही है। नवनीत राणा लोकसभा का चुनाव हारी, उसके बाद हमने कई सुर्खियां देखी कि रवि राणा और नवनीत राणा गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, क्या बात हुई, क्या भरोसा दिया, और नवनीत राणा फिर क्यों विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं जब इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा नाम है? ऐसा है, वो भाजपा पार्टी की नेता है और अमित शाह जी भी हमारे नेता है और अमित शाह जी का बहुत रिस्पेक्ट है हमारा कि हमने उनकी हमेशा बात, उन्होंने कोई बात कही और कभी उसको टाला नहीं है। और मुझे लगता है अमित शाह जैसे नेता देश में जो काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा भी नैतिक अधिकार है, उनके ताकत बन के उनके साथ काम करना चाहिए। और मुझे विश्वास है आने वाले 2 महीने के अंदर नवनीत राणा को राज्यसभा मिलेंगी और देश की राजनीति में वापस आएंगी। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है? ऐसा बात करने की ज़रूरत ही नहीं, इशारों में समझ जाना पड़ता है राजनीति में कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे विश्वास है वो राज्य के राजनीति में नहीं गिरेंगी, वो देश के राजनीति में काम कर रही, राज्य के राजनीति में उन्होंने कमल चिन्ह पे जितने सीट खड़े है, महायुति की सीट खड़े है, उसका प्रचार कर रही है और आने वाले भविष्य में देश के राजनीति में जिस तरह पार्लियामेंट में काम करती थी लोकसभा में, वैसे राज्यसभा में भी वो काम करते हुए दिखेंगी। अब आपके इलाके की थोड़ी सी बात कर लेती हूँ, बडनेरा की। एक तो हम हर जगह घूम रहे थे तो एक हमें शायद स्ट्रैटेजी में चेंज देखा, पता नहीं ये हमने ऑब्जर्व किया, आप बताइएगा, स्पष्ट करिएगा। जैसे आपका जहाँ जहाँ पोस्टर लगा है उसमें भी लिखा है बहुजनाचा बहुचर्चित नेता, तो जो आपने हिंदुत्व की लाइन ली थी, जो नवनीत राणा कभी कहा करती थी कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो अब वो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है क्या? अब बहुजन बहुचर्चित नेता वो हिंदुत्व की लाइन पर क्या उतना ज़्यादा अटैकिंग नहीं है? देखो, हिंदू हूँ तो हिंदू का गर्व तो है, हिंदुत्व का लिए काम तो करते ही हूँ, पर बहुजन जो है, दीन दलित शोषित किसान मजदूर, उसके लिए भी मैं काम करता हूँ। तो मुझे लगता है बहुजन मतलब हिंदू नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुजन में सब लोग आ गए और हिंदुत्व, हिंदू रहने से हिंदू पे गर्व होना ही चाहिए और बहुजन जितने भी वंचित लोग हैं उन लोगों का मैं नेतृत्व शुरू से करते आया हूँ। तो मुझे लगता है बहुजन का नेता करके मुझे हमेशा बहुजन समाज ने, किसानों ने, वंचितों ने, गरीबों ने हमेशा मुझे प्यार दिया है, ताकत दी है और उस नाम पे मैं काम करता हूँ। 24 का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? जैसे अमरावती के लोगों से अगर बात की जाए, खास करके बडनेरा से, तो जो आपके विपक्षी हैं जो आपसे नाराज रहते हैं वो कहते हैं एयरपोर्ट नहीं ला पाए 15 साल में, बताइए कोई गवर्नमेंट का अस्पताल यहाँ पर अच्छा नहीं बनाए, ये सब कमियाँ रह गई है। लेकिन जो आपके समर्थक हैं वो बताते हैं कि रवि राणा जी राशन बांटते हैं, रवि राणा जी गरीबों का साथ देते हैं, जब भी आर्थिक मदद चाहिए होती है हम बेझिझक होकर उनके पास चले जाते हैं। आपको क्या लगता है आप किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? विरोधकों को मैं आने वाले 1.5 महीने के अंदर सभी विरोधों को बेलोरा, हमारा अमरावती एयरपोर्ट जो है वहाँ से उनको मुंबई लेके जाऊँगा और मुंबई से अमरावती लाऊँगा। एयरपोर्ट का 90% काम हो चुका है, 450 करोड़ रुपए हमने खर्च किए, वहाँ पे 1800 मीटर का रनवे बनाया, टर्मिनल बिल्डिंग बनाई, नाइट विजन लाइट लगाए, पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी हम शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे हैं तो आप भी वहाँ नज़र मारेंगे तो आपको दिखेगा अमरावती शहर में इतना बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है और जिस शहर में मुंबई से अमरावती, अमरावती से मुंबई महीने भर बाद फ्लाइट उड़ेंगी तो उस जिले का ग्राफ 10 गुना बढ़ जाता है। और अमरावती में 40 साल में कभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं था, उस 32 एकड़ जगह के अंदर 1600 करोड़ का मैंने प्रोजेक्ट लाया,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के माध्यम से अनेक गरीबों के इलाज भी होंगे। अभी मैंने करीब करीब 100 MBBS की एडमिशन की भी शुरुआत की है, नर्सिंग की भी शुरुआत की है। तो यहाँ से हर गरीब को नागपुर मेडिकल कॉलेज में, सावंगी मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था, वो आज अमरावती में इलाज करेंगे। आजू बाजू के जिले के लोग भी इलाज करेंगे। हमारी लड़कियाँ लड़के नर्स नर्सिंग का कोर्स करेंगे, MBBS की उनको एडमिशन मिलेंगी और 4 से 5 हज़ार लोगों को काम भी मिलेगा। वो काम भी हमने शुरू किया है, रेलवे वैगन फैक्ट्री के माध्यम से अमरावती में रोजगार नहीं था, 4 हज़ार लोग, 850 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट लाया हम लोगों ने, 4,500 लोग काम करते हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूटी में जो पुरानी MIDC है, 25,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने रोजगार दिया। आज कामगार कल्याण भवन बनाए, आपका ही मास कमीशन कॉलेज जो है IMC मैंने अमरावती में लाया, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूटी में लाया। तो ऐसे कई काम, अगर आरोग्य के बारे में बोलेंगे, अमरावती जिले के अंदर, विदर्भ के अंदर पेशा स्त्री रुग्णालय नहीं था, 200 बेड का मैंने स्त्री रुग्णालय बनाया, पिछले महीने ही उसका उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, शुरू हो गया। महिलाओं के लिए स्पेशल हॉस्पिटल, ये अमरावती की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और छोटे बच्चों का छोटे बच्चों का लिए भी ICU बनाया हम लोगों ने स्पेशल, उसका काम किया है। तालुक के तालुकों में आरोग्य की सुविधा दी है, क्रीड़ा के माध्यम से काम किया है, विरोधकों को विरोध करने के माध्यम से, उन्होंने तो अभी तक बंडेरा मतदार संघ कितना बड़ा है और कितने गाँव है वो भी विरोधों को मालूम नहीं है, सिर्फ इलेक्शन में खड़े। एक वीडियो आपका बड़ा वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि लाडली बहनों को अभी जो 1500 मिलता है, अगर महायुति की सरकार आती है तो 3000 मिलेगा, लेकिन अगर वोट नहीं दिया तो मैं वो पैसे भी वापस ले लूंगा। ये इस वीडियो पे क्या कहेंगे, मतलब ये क्या बयान? वो वीडियो पहले ही कहा मैंने, वो वीडियो को तोड़ मोड़ के बनाया गया था। बहन और भाई का रिश्ता ऐसा रहता है कि बहन भाई हमेशा आपस में मजाक करते, बातें करते, तो हमने भावबीज के दिन, हमारे राखी के दिन, उस दिन हमारे महिलाओं के साथ जो बात हुआ है, तो उसमें हमने मजाक में कुछ बातें की थी, महिलाएं भी कर रही थी, मैं भी कर रहा था, तो बहन भाई में ये बात तो होती है। पर मैंने ये कहा था कि 1500 रुपये जो मिल रहे हैं उसके हम जरूर 3000 करेंगे। क्यों? कि आज महिलाओं को 1500 रुपये अपने परिवार के लिए, परिवार के कठिन परिस्थिति में वो जो काम में आते हैं, अगर उनको 3000 रुपये किए गए तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई काम नहीं है। हम भी एक गरीब परिवार से, छोटे परिवार से आए, मेरी माँ भी गेहूँ के अंदर, चावल के अंदर, आटे के अंदर जब 5 रुपये 10 रुपये जमा करती थी, तब वो 300-400 रुपये जमा होते थे, हमारे पढ़ाई के काम में आते थे, दवाई के काम में आते थे, हमारे कोई कठिन परिस्थिति में वो पैसे काम में आते थे। तो मुझे लगता है 3000 रुपये महिलाओं को देना चाहिए। मैं देवेंद्र जी को भी परसों जब सभा हुई थी वहाँ भी हमने बोला कि महिलाओं का ये 1500 का 3000 रुपये होना चाहिए। बस आखिरी दो सवाल पूछूंगी, महायुति की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? देखिए, मंदिर में बैठा हूँ, जो बोलना है सच बोलूँगा। मुझे लगता है महाराष्ट्र के उन्नति के लिए, महाराष्ट्र के भविष्य के लिए देवेंद्र फडणवीस जरूरी है और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। महायुति में ही बच्चू कड़ू भी है साथ, मतलब आप लोग सब एक साथ ही है, पर आपकी और बच्चू कड़ू की दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्यों ऐसा है, क्यों एक दूसरे के खिलाफ बयान देना बंद नहीं हो रहा है? दुश्मनी राजनीति में रहती नहीं है, वो भी इसी क्षेत्र से। मुझे लगता है राजनीति विकास की होना चाहिए, विजन की होना चाहिए, द्वेष की राजनीति नहीं होना चाहिए। द्वेष की राजनीति की शुरुआत उन्होंने की, नवनीत राणा को पराभव करने के लिए उन्होंने जो ताकत लगाई, उतनी अगर अमरावती जिले के विकास के लिए लगाते थे तो मुझे लगता है अमरावती का उद्धार होता था। आज अमरावती में नवनीत राणा को रोकने से अमरावती के जिले के किसानों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सबका नुकसान हुआ है। एक आखिरी सवाल बस, अपक्ष लड़ी थी नवनीत राणा 2019 में जब उन्होंने चुनाव जीता था, हमने महाराष्ट्र की राजनीति जितनी समझी पड़ी उसमें हम ये देखते हैं कि अपक्ष बहुत खेल बिगाड़ते, इधर से प्रीति बंड भी आपके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रही है शिवसेना से नाराज होकर, आपको लग रहा है कि ये लोग सब मिलकर गेम बिगाड़ सकते हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट है कि जो है निकाल लेंगे? 27 लोग खड़े सब गेम बिगाड़ने के लिए खड़े, लेकिन पर, की है। पर ऐसा है, गेम बिगाड़ने का पूरा अधिकार है जनता जनार्दन के पास। और आपने अभी रैली में आप देखा होगा, लोगों में सुना होगा, रवि राणा एक जमीन का नेता है, जमीन पे मैं काम करता हूँ, ये लोग अभी इलेक्शन आए तो खड़े, पर 5 साल मैं काम करता हूँ, 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ, 5 साल जनता के दुख सुख में मैं खड़ा रहता हूँ, विकास मैं करता हूँ। इन लोगों ने अभी टिकट लेके इलेक्शन लड़ना है तो उम्मीदवार बन गए, खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये सिर्फ 20 दिन का खेल है और 20 दिन में कोई किसी का खेल बिगाड़ नहीं सकता। 5 साल जो जनता के साथ रहता है
वही खेल बिगाड़ता है सबका। चलिए, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये रवि राणा थे जो अमरावती की बडनेरा विधानसभा से चौथी बार चुनावी मैदान में है। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं कॉमेंट में बताइएगा। आप अगर अमरावती से हैं तो आपके लिए क्या चुनावी मुद्दे हैं आप ये भी बता सकते हैं। हमारी ललन टॉप की विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है। कैमरे के पीछे अमितेश थे, मैं सोनल हूँ, आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।